नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम श्याम है, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी है फोर्ड इको स्पोर्ट डीजल वर्जन मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पर आप देख सकते हो पुश स्टार्ट, ये है इसका स्मार्ट की। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर शुरुआत का तो मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ था, क्योंकि ये गाड़ी कई गैराज के थ्रू हमारे पास आई है और यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग पूरी गाड़ी खुली पड़ी है। ये देख सकते हो, ये है इसका सारा सिस्टम। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका मॉड्यूल लगा हुआ है सीट के नीचे, ये सारी वायरिंग इसकी खुली पड़ी है। तो दोस्तों जब ये गाड़ी हमारे पास आई थी तो प्रॉब्लम था गाड़ी के अंदर, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और स्टार्ट तो दूर की बात है, गाड़ी का सबसे पहले इग्निशन ही ऑन नहीं हो रहा था, इग्निशन ऑन नहीं हो रहा था और बाकी की भी इसमें बहुत सारी दिक्कतें थी जो हमने स्टेप बाय स्टेप इसका ठीक किया है। और इस गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम और भी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वायर इसका छिला हुआ मिला हमें यहाँ पर। तो इस वायर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी ने यहाँ पर डायरेक्ट करंट दिया हो या किसी ने करंट चेक भी किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम जब हमने चेक किया इस गाड़ी को तो वायरिंग की दिक्कत थी और उसके बाद में इसका जो ईएलवी है, ये ईएलवी इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लॉक, ये भी इस गाड़ी का ख़राब था। लेकिन किस्मत से बाकी का इसका जो पार्ट है, जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सीट के नीचे का मॉड्यूल और ईसीएम, ये सारे पार्ट इसके सही थे। तो जब हमने इसमें दूसरा ईएलवी लगाया ये वाला, तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई और इसका काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को इस गाड़ी को ठीक करने में, इसलिए इसका फाइनल वीडियो ही मैं शूट कर पाया, क्योंकि अगर पूरा वीडियो बनाता तो इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब कोई गाड़ी बिगड़ी हुई आती है तो उसमें हर स्टेप को शूट करना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लेती है गाड़ी। तो फाइनली हमने जब इसका ईएलवी दूसरा लगा के इसे प्रोग्राम कर दिया है तो गाड़ी अभी हमारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो गाड़ी का इग्निशन आ गया और जो इमो का लाइट है वो भी बंद हो गया, और यहाँ पर दिखा भी रहा है प्रेस क्लच टू स्टार्ट। तो इसका मैं दबाता हूँ क्लच और उसके बाद एक बार इसका बटन दबाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ये मैसेज दिखा रही है कि बैटरी लो, रिप्लेस बैटरी। तो हो सकता है सेल का बैटरी, सॉरी इस रिमोट का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया हो। तो दोस्तों फिलहाल हमारी गाड़ी एकदम परफेक्टली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, एक एयरबैग की लाइट आ रही है, इसमें हो सकता है कोई छोटा मोटा इशू हो, तो वायरिंग इसका अभी भी खुला पड़ा है तो हो सकता है यहाँ से कोई वायर वगैरह कटा हुआ हो, लेकिन बाकी की गाड़ी स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है और चल भी अच्छी रही है। तो प्रॉब्लम इसका यहीं से शुरू हुआ है ईएलवी से, यहाँ पर शायद किसी ने करंट डायरेक्ट दिया हो या हो सकता है करंट किसी ने चेक किया हो, चेक करने में तो शायद ईएलवी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर डायरेक्ट करंट देंगे तो शायद ख़राब हो जाए, तो इसी वजह से इसका ईएलवी ख़राब हुआ और दूसरा ईएलवी लगाने के बाद गाड़ी परफेक्ट हो गई है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।